बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा इन लेक्चर सीरीज का तीसरा लेक्चर है, जिसके बारे में मैंने कल पहले लेक्चर की इब्तिदा में ये बात वाजे की थी। इस सीरीज का लुब्बे लुबाब या उन्वान ये है कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते, और इस बात को समझने के लिए मैंने 12 लेक्चर दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा यानी पहले 6 लेक्चर तज़किया नफ्स के बारे में, कि हम अपने नफ्स का तज़किया, और दूसरे लेक्चर की सीरीज में जो 6 लेक्चर्स होंगे उसमें उन्वान होगा कि हम ईमान की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारें। पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि तज़किया क्या है, और ये बताने की कोशिश की कि दीन का असल नस्बुलैन यही है, दीन तज़किया नफ्स ही को टारगेट करता। शाम वाले लेक्चर में मैंने ये बात बयान करने की कोशिश की कि तज़किया नफ्स हासिल होता है कुरान मजीद के जरिए से। हम कुरान को पढ़ते हैं तो कुरान के जरिए से तज़किये का हुसूल होता है। क्योंकि मेरा सही तज़किया नहीं हुआ इसके मुझे पता ही नहीं है कि शुरू में कुछ प्रोटोकॉल भी हुए। तो अब ये तीसरा जो लेक्चर है इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो हमारा दीन है ये सारे का सारा हर हर जुज असल में एक ही चीज को टारगेट किए हुए, और वो है तज़किया नफ्स। भाई जब मंजिल मकसद जन्नत का हुसूल है, उसके बगैर इंसान नाकाम ना मुराद है, और जन्नत तक जाने वाला रास्ता एक ही रास्ता है, यानी आप अपने नफ्स का तज़किया करें, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि खुदा ताला की किताब इस मकसद के अलावा कोई और बात करे। लोग मालूम नहीं इसमें से अपने बीमारी का इलाज ढूंढते हैं, कोई साइंसी इंकशाफात तलाश करते हैं वगैरह वगैरह। अब हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ना नफी कर रहा हूं ना इस बात कर रहा हूं, मगर ये उसका पर्पज नहीं है। उसमें ज्यादा उलझने के नतीजे में आप अपनी मंजिल खोटी कर देते हैं, आप असल डायरेक्शन लूज कर जाते हैं। सो कुरान मजीद और तमाम पैगंबरों का लाया हुआ दीन, जिसका ऑथेंटिक तरीन वर्जन और कंप्लीट वर्जन वो है कि जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, उसका सारा टारगेट यही तज़किया नफ्स है। चुनाचे इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज कि इस दीन में जिस इबादत को सबसे ज्यादा नुमाया हैसियत हासिल, यानी सलात नमाज, इसका भी मकसद हुई, इसका भी टारगेट हुई। और चुनाचे इसका मतलब ये है कि हमें इसके जरिए से तज़किया हासिल करना है, और इसके लिए कहीं और जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ना किसी मेडिटेशन को हमें करना है। वो बड़ी दिलचस्प बात है कि लोग, क्योंकि नमाज से लोगों को कुछ हासिल नहीं होता, तो कहते हैं कोई मेडिटेशन वगैरह करनी चाहिए। मुझे मेडिटेशन से कोई इतराज़ नहीं,
अगर आपको कोई जिंदगी में सुकून मिलता है सांस बंद करके या सांस लेकर या फलां करके, आई हैव नो प्रॉब्लम्स. आपकी अगर कोई फिजिकल कंडीशन इंप्रूव होती है ओके. मगर आप अगर ये कहें कि हम अपना तज़किया नफ्स कर रहे हैं मेडिटेशन से, तो आप खुदा के बताए हुए रास्ते की नाकदरी. रास्ता तो असल में वही है भाई. आपने तो कहा था कि यहाँ पे आवाज नहीं आएगी, तो खांसने की आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और लैपटॉप का भी तज़किया करना पड़ता है. तो ये मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यू नो ये क्लैरिटी की कमी है जिसकी वजह से लोग इधर उधर जाते हैं, वरना तो दीन है इसी मकसद के लिए. अच्छा फिर ये भी एक इंसान के साथ बड़ा मसला है जिसको इस वक्त मुझे ज्यादा तफसील से बयान नहीं करना, कि जब आदमी किसी वजह से किसी बात या नैरेटिव से मुतासर हो जाते हैं, मुतासर किसी और वजह से होता है, उसके लिए फिर दलाइल लाते हैं. अच्छा दलाइल वो दीनी भी लाता है अकली भी लाता है. सो लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में पहले मेडिटेशन की तो उसके बाद वही आई, तो पहले मेडिटेशन करते. आई डोंट नो मैं इसका क्या करूं. मतलब ये अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी अंडरस्टैंडिंग के हिस्टोरिकली ऐसा हुआ, यही इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क. खासतौर पर रिसेंटली गांधी साहब ने इस पर जो क्वेश्चन आंसर सेशन किया है ओवर नंबर ऑफ सेशंस, तो ये खुद एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है कि ऐसा हुआ भी था कि नहीं हुआ. फर्ज कीजिए हुआ भी था, इसका कोई ताल्लुक हमारे दीन से नहीं, इसलिए कि दीन वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के तौर पर पेश करके गए. चुनाचे आपने दीन के तौर पर ऊंट पर सवारी पेश नहीं की, इसलिए वो दीन है ही नहीं. इतनी सादा बात को क्लैरिफाई करना पड़ता है, इसलिए कि लोग पास चीजों से मुतासर हो जाते हैं. सो मैं अब ये गुजारिश कर रहा हूं कि नमाज का मकसद तज़किया है. आप देखें इसको कुरान मजीद ने कैसे बयान किया, ये मैं पहले भी बयान कर चुका हूं, लेकिन जरा इसको थोड़ी तफसील से देखते हैं. सूरतुल आला है, सूरा नंबर 87, इसकी आयात हैं 14 और 15, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं पहली बात कद अफलहा मन तज़क्का, फलाह पा गया वो जिसने अपना तज़किया कर लिया. वज़कर अस्म रब्बी, और उसने अपने रब के नाम को याद किया. फसल्ला, चुनाचे उसने नमाज पढ़ी. इसमें चार बातें बयान की, फलाह पा गया जिसने तज़किया किया, उसने अपने रब के नाम को याद किया, चुनाचे उसने नमाज पढ़ी. आप देखें इसको जरा रिवर्स तरतीब में लें तो क्या शक्ल सामने आती है. ये जो हम नमाज पढ़ते हैं ये क्यों पढ़ते हैं? अपने रब के नाम को याद करने के लिए. जब हम अपने रब के नाम को याद करते हैं तो क्या होता है? तज़किया होता है. तो तज़किया होता है तो फिर उससे क्या होता है? आप कामयाब हो जाते हैं, जन्नत पा लेते हैं. यानी आप देखें सब कुछ पूरे का पूरा समंदर इस कूजे में बंद हो गया. आपको ये बता दिया कि कामयाबी जन्नत आपको मिलेगी तज़किये से. तज़किया हासिल करने का एक अहम तरीका यह है कि आप अपने रब के नाम को याद करें. इधर भी मैं अभी आपको बताऊं कि क्या हुआ है और ये कैसे होगा नमाज पढ़ के. सो इससे एक बात तो ये मालूम हुई कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं. ये बात कुरान मजीद में कई जगहों पर बयान हुई है. मसलन सूरह ताहा में आयत नंबर 14 है, जिसमें अल्लाह ताला ये बताते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को पहली वही मिली तो उसमें उनको जो चंद हिदायत दी गई उनमें से एक हिदायत ये दी गई, अक़िम सलात लिज़िक्री, नमाज का एहतमाम करो मेरी याद के लिए. तो मैं गुजारिश करूं कि ये तो अल्लाह ताला का तरीका है हमेशा कि जब कोई हिदायत देगा तो हिदायत
देने को तो बादशाह है, कह गए अटेंशन स्टैंड एट ईज, तो हम अटेंशन हो जाएंगे, वी स्टैंड एट ईज, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो कहता है अटेंशन बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अचीव दिस, यानी उसका पर्पज हमेशा पता है, हमेशा। सो यहां भी मूसा अलैहि सलाम को पहली पहली हिदायत ये की गई कि नमाज पढ़ो, क्यों, क्यों मुझे याद करने, मेरी याद के लिए। ये जो अभी हमने देखा सूरतुल आला में आयात, इसमें ये बताया गया है कि उसके नाम को याद करो। सो मालूम ये हुआ कि अल्लाह को याद करना अल्लाह के नाम को याद करना, वजह क्या है, वजह ये है कि आती है कि याद करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक ये कि मैं अपने वालिद मरहूम को याद करूं, तो उनसे तो मेरी मुलाकात हुई भी है, मेरे जहन में उनकी शक्ल आएगी, कुछ वाकयात आएंगे, तो मैं उनको याद करूंगा, तो अल्लाह ताला के मामले में ये तो नहीं हो सकता, तो फिर उसको कैसे याद करेंगे, उसके नाम से। तो नाम से क्या फर्क पड़ता है भाई, नाम तो मतलब जब तक के चेहरा सामने ना आए क्या फर्क पड़ता है, नहीं, उसके उसका हर नाम उसकी किसी ना किसी सिफत, किसी ना किसी एट्रीब्यूट, किसी ना किसी खूबी की रिफ्लेक्शन है। अल रहमान, अल हकीम, अल कदीर, अल लतीफ, ये सारे उसके नाम है, समी। हम जब उसके नामों को याद करते हैं तो असल में हम उसकी सिफात को याद करते हैं, और सिफात का मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम है, हर बड़ी अहम चीज इब्तदा में थोड़ी सी बोरिंग लगती है, क्या सिफात की जरूरत है, बट आप उसकी गहराई में जाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि माय गुडनेस यार, ये तो एक दुनिया है, तो खुदा के जो नाम है और जो एट्रीब्यूट्स है, वो एट्रीब्यूट्स असल में आपको बता रहे हैं कि जिसने हमें बनाया है वो हमसे कैसे डील कर रहा है। सो वो सब कुछ जानने वाला है, इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ जानता है, इस वक्त हमारी प्रेजेंस को जानता है, हमारे एक्शंस को जानता है, हमारे इंटेंशंस को जानता है, तो हम इसको जब याद करेंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर इसका असर होगा, लाजमन असर होगा, ये एहसास मैं समझता हूं कि इंसान के लिए सबसे इफेक्टिव एहसास है। आप मुझे इजाजत दे, आदमी के अंदर तबाही मचा देने वाला एहसास है कि तुम्हें पता है तुम्हारा रब देखता है और वो जानता है इस वक्त कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। वाव, उसके बाद फिर आदमी उसके साथ एडजस्ट करता है, और ये वो चीजें जाहिर है जो इंसान का तज़किया करेगी, इंसान को पाक करेगी, तो यार वो क्या तुमने हरकत की थी, वो जो तुमने उसके साथ जो बात की थी, तुम यू न्यू दैट यू आर टेलिंग अ लाई, तुम चक्कर दे रहे थे, बड़ी खूबसूरत तुमने गुफ्तगू की है और उसके पीछे एक फ्रॉड था, यू नो इट, योर गॉड नोज इट। सो आदमी के लिए उसकी नफ्स की डिसिप्लिन और तहजीब के लिए खुदा ताला की ये सिफत गैर मामूली है। आप दुआ करते हैं उससे और आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो सुनने वाला, आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो हर चीज कर सकता है, मगर आप ये भी जानते हैं कि वो हकीम, उसे मालूम है आपका भला क्या है बुरा क्या है। सो आप जब नमाज पढ़ें तो उसके नाम को याद करें, यानी उसकी सिफात को याद करें, और सिफात ही को याद ना करें, उनको अपने ऊपर अप्लाई करें, तो आपको तज़किया हासिल होगा। यही वो बात कर रहा है कि अपने रब के नाम को याद करने से आपका तज़किया होगा, और तज़किये से क्या होगा, आप कामयाब होंगे। यानी यही रास्ता है आपकी कामयाबी का, कि एक मुस्तकिल ऑन गोइंग प्रोसेस जारी रहे जिसमें आप अपने इंट्रोस्पेक्शन करें, आप अपने आप को इम्प्रूव करें, आप अपनी गलतियों को साफ करें, आप उसको राजी करें, और इस तरह से जिंदगी में आप आगे बढ़े। सो ये वो चीज है कि जिसको कुरान मजीद ने बयान किया है इस मकसद के लिए कि हमारी नमाज असल में इसको अचीव करे, नमाज में असल में ये होना चाहिए। इसके बाद नमाज तज़किया करती है, तज़किये के मैंने दो पहलू आपको बताए,
एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव ये कि वो हमारे अंदर की बुराइयों को, खामियों को पाक साफ करना, और पॉजिटिव ये कि इस पाकीजगी के नतीजे में अपने अंदर मुस्बत, पॉजिटिव और साफ खूबियां पैदा करना, अपनी शख्सियत को निखारना, अपने अंदर आला अखलाक और रूहानियत पैदा करना, अल्लाह का कुर्ब पैदा करना। सो ये दोनों चीजें होती हैं। इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको कुरान मजीद ने बयान किया है सूरह अनकबूत में, सूरह नंबर 29 है, इसकी आयत नंबर 45 में, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज का एहतमाम करो, इसलिए कि इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज फोहश और मुनकर से रोकती है। यानी ये नमाज के अंदर एक खूबी है कि वो इंसान को फोहश कामों से और तमाम दूसरी बुराइयों से रोकती है। जाहिर है कि ये सवाल तो ज़हन में आएगा लाजमन, हम नमाज पढ़ते हैं, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ये भी मालूम होता है कि वो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उनकी नमाज उनको उनकी बुराई से नहीं रोकती। लोग जितने बाकायदगी के साथ नमाज पढ़ते हैं उतने ही बाकायदगी के साथ झूठ बोलते हैं। बात तो अनफॉर्चुनेटली जब भी इस तरह का जिक्र आएगा वो एक हिस्टोरिकल रेफरेंस नजरअंदाज नहीं हो सकता, कि जो उर्दू में कम और पंजाबी में ज्यादा बहुत से तरीके से बयान किया जाता है कि ना उन्हें कोई नमाज छड़ी, ना उन्हें कोई परा छड़े, नमाजें भी नहीं छोड़ी और सारे भाई भी मारे, दोनों काम किए। तो अब ये क्या चक्कर है, यू नो, रेगुलर नमाज है और दूसरी तरफ ये खौफनाक सूरत है, बादशाहत की खातिर सारे सगे भाई मार दिए। तो आई मीन ऑब्वियसली ये तो एक एक्सट्रीम मिसाल है, मगर इसी तरह की मिसालें हमारी मुशाहदे में आती हैं। यानी नमाज माशाल्लाह बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ये कि झूठ बोलना उनकी आदत है सारी, उसको वो बुरा नहीं महसूस कर, तो आप भी माइंड ना करें। कुरान इसके बरक्स ये कह रहा कि नमाज इंसान को हर फोहश और हर बुराई से, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वही जो आयत बयान कर रोक दी। यानी अगर नमाज ना हो और आप बुराई करें तो आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है इसका कि आपको कोई ये बताए, सिवाय इसके कि कुछ लोग आपके हों, दोस्त हों या कोई एहतमाम आप करें कि आपको कोई रिमाइंड कराए। लेकिन नमाज में खुद एक आपके अंदर ऐसा डिसिप्लिन पैदा हो जाता है कि आप जब उसके लिए खड़े होते हैं तो आपकी नमाज आपको रुकेगी कि ये तुम करके क्या आए हो भाई साहब, ये जो आपने अभी हरकत की है ये कैसे आपने की है। आप जाहिर है नमाज के लिए जब खड़े होते हैं, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसको हम कैसे अपनी नमाज को बेहतर करें, तो ला मुहाला अगर आप अल्लाह को याद करेंगे तो असल में आप अल्लाह को अपने सामने पाएंगे। उसके बाद ये सवाल पैदा होगा ना कि ये जो आप अभी किसी को धोखा दे के आए हैं ये इसकी क्या बेसिस है, मतलब इसको कैसे आप डिफेंड करते हैं। तो इंसान उसके नतीजे में अपने अंदर एक महसूस करता है मलामत, एक अपने अंदर जो एक शर्मिंदगी, खुदा के आगे बेबसी, कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल आप अपने आप को एक बुरा महसूस करते हैं, छोटा महसूस करते हैं। तो उस पर एक जानिब इंसान अल्लाह से माफी मांगता है और दूसरी जानिब अल्लाह से तौफीक मांगता है कि वो इस बुराई से बचने के लिए हिम्मत दे, और फिर अजम करता है कि मैं आई विल फाइट इट, यू नो, तीनों चीजें। नमाज यही करती है, नमाज आपको जबरदस्ती बुराई से रोकेगी नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई
अल्लाह की तरफ से कोई आसमानी हाथ आ जाएगा जो आपको पकड़ के रोक लेगा। हाँ, ये कभी कभी होता है, शायद बहुत होता है कि कुछ वाकयात हो जाते हैं। यानी मैं कोई वहम पैदा नहीं करना चाहता, मगर ऑनेस्टली बाज़ूकात ये हो जाता है कि बंदा कहता है, यार मैं अच्छा भला रोजाना इस जगह से जाता था, आज ये मेरा कदम कुछ लुढ़क सा गया, कुछ फिसल गया। सो इट्स जस्ट मेंट टू रिमाइंड यू, वेक अप मैन, वेक अप। क्या बकवास कर रहे हो, क्या घटिया हरकत कर रहे हो। सो नमाज करती है, यानी नमाज आपको जैसे एक बहुत कोई सिंसेयर आपका साथी आपके साथ है, वो आपको बताएगा कि यार ये ठीक नहीं हो रहा। नमाज भी बिल्कुल इसी तरह से, आपको जब आप नमाज के लिए वजू करके खड़े होंगे तो सिवाय इसके कि आप नमाज पढ़ ही नहीं रहे, कुछ और सोच रहे हैं, वरना नमाज तो आपको बुराई से रोकेगी, फोहश से रोकेगी, आपको ये बताएगी कि यार ये जो तुमने घटिया हरकत की है, जो खुदा ताला से नफरत करते हैं, तुम कैसे फेस करोगे उसको। आई मीन ऑनेस्टली बचपन में, बल्कि अभी भी शायद जो इंसान किसी का कोई बॉस होता है, तो बचपन में बड़ों बुजुर्गों के सामने आदमी को शर्मिंदगी होती थी कि यार ये घटिया हरकत कर गया तो पड़ जाएगा, लपड़ पड़ जाएगा, डांट पड़ेगी। खुदा के सामने इंसान खड़ा हुआ है और गलत काम करके खड़ा हुआ है, तो उसमें जाहिर है इंसान को एहसास होता है कि यार ये नहीं चलेगा, दिस इज नॉट ऑन। तो ये नमाज करती है और ये कमाल है, यानी एक हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें एक ऐसा रोजाना का मामूल मिल गया है जिसमें हमें कहीं जाना नहीं पड़ता अपनी इस्लाह के लिए। ये इस्लाह का मैकेनिज्म खुद फंक्शन कर रहा है और कुरान मजीद ने इसको बयान किया। कुरान मजीद ने ये बात भी बता दी, ये भी बता दिया कि नमाज अल्लाह को याद करने के लिए, लेकिन साथ साथ ये काम भी किया, ये बता दिया कि नमाज बाज़ औक़ात बाज़ लोग महज रूटीन में पढ़ते हैं, दिखावे के लिए पढ़ते हैं, और वो नमाज बिल्कुल बेअसर होती, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। बल्कि ये कमाल कर दिया कुरान मजीद ने कि लानत कर दिया बाज़ नमाज। तो सूरह मामून छोटी सूरह आप सबको याद होगी, सूरह नंबर 107 जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फवैलुल लिल मुसल्लीन, आयत नंबर 4 से ऑन। सो बर्बादी हो उन नमाजियों की, मुसल्लीन नमाजी। ये जो बात कही गई है ये असल में कुरैश के सरदारों के लिए कही। तो आप कहेंगे कि कुरैश के सरदार नमाज पढ़ते थे? जी हाँ, नमाज पढ़ते थे। ये कैसे हो सकता है? ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। बाज़ नैरेटिव्स मशहूर हो जाते हैं, और जब कोई चीज मशहूर हो जाए तो उसका खात्मा करना मुश्किल होता है, इसलिए कि वैसे ही लोगों को गौर व फिक्र की आदत नहीं होती, कोई जज्बाती चीज अपील कर जाए उसको मान लेते हैं, और एक मर्तबा मानी हुई बात को बदलना मुश्किल होता है। चुनांचे मुसलमानों के यहाँ एक चीज मशहूर हुई है कि नमाज तो हमें मिली है मेराज में, तो अगर उनको ये बताया जाए नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तो बड़े हैरान होते हैं, या तो अगर उनकी मेहरबानी होती है तो सवाल करते हैं, वरना गुस्से में आ जाते हैं कि ये हमारा ईमान खराब कर रहा है, ये तो हमने बचपन से सुना है। नमाज तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले मक्के में पढ़ी जा रही थी, मुशरिकीन ने मक्का भी पढ़ते थे, क्यों ना पढ़ते। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो औलाद थे, तो भाई ये तो बात आप जानते हैं ना कि हज वो करते थे, तो हज करते थे तो नमाज नहीं पढ़ते होंगे, तो ये नमाजी उन पर मलामत की जा रही, यानी ये अबू जहल, ये अबू लहब, ये लोग, ये जो नमाज पढ़ते हैं बर्बादी हुई। वैलुल लिल मुसल्लीन, तो एक बात तो ये है, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहू, जो अपनी नमाज की हकीकत से गाफिल है,
यानी वो नमाज पढ़ते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि नमाज क्यों पढ़ी जाती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि नमाज के पढ़ने का मकसद तो ये है कि हम इसको पढ़ें अल्लाह को याद करने के लिए, और जब आप अल्लाह को याद करने के लिए खड़े होते हैं तो नमाज को आपको लाजमन रोकना चाहिए आपकी हर बुराई से, हर फोहश काम से। तो वहां ये एक रूटीन बन जाता, तो जब आप रूटीन बना लेंगे तो जाहिर है कि फिर तो बात नहीं होगी। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखावा करते हैं, यानी जब ये बात तय हो जाए कि आप खाने काबा के मुतवल्ली हैं, बड़े सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो फिर ये तो नहीं काम चलेगा कि यार सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर और नमाज नहीं पढ़ रहे, तो नमाज तो पढ़नी है। सो वो नमाज पढ़ते थे दिखाने के लिए, अपनी पोजीशन जो उनको मिल गई थी उसका भरम रखने के। अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल-मऊत, और बहुत कम कीमत की चीजों को देने से भी गुरेज करते हैं। ये कमाल कर दिया अल्लाह ताला ने इस बात को समझाने के लिए कि नमाज अगर कोई शख्स बाकायदगी से पढ़ता है तो उसका ये असर होना चाहिए कि उसके अंदर इंसानी हमदर्दी पैदा हो और लोगों को देने वाला बने, लोगों के दुख दर्द में शरीक हो, लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाला हो। ये नमाजी जो हैं, ये इतने संग दिल हैं कि किसी बेचारे गरीब इंसान की कोई छोटी सी जरूरत है उसको पूरा करने से भी रोकते हैं, गुरेज करते हैं, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। यानी कोई हमसाया है, बत्ती चली गई है, उसे टॉर्च की जरूरत है या कोई और माचिस की जरूरत है, और वो लेने आए हैं, अभी पूरी 17 रकतें पढ़ के आए हैं भाई साहब, और जब आया हमसाया तो लानत करके भेज दिया, पास लोग तुम्हें, तुम्हारे पास टॉर्च भी नहीं है, मेरे पास नहीं है, गेट लॉस्ट। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये लानत हो इस नमाज, क्या नमाज है। सो ये कुरान मजीद का नमाज के बारे में बयान है कि बे असर नमाज, बे वक्त नमाज, उसके पढ़ने वाला जो है बजाय इसके कि अल्लाह ताला के हाँ किसी तहसीन एनकरेजमेंट का वो मुस्तहिक बने, वो नमाज उसके लिए एक मलामत का जरिया बन जाती है कि सारा तुमने एक्शन किया, सब कुछ बजाहिर तुमने उसके रिक्वायरमेंट्स पूरी की, मगर वो तुम्हारे अंदर दाखिल नहीं, उसने तुम्हारे ऊपर असर नहीं किया। तो जाहिर है कि ये सवाल पैदा होता है कि नमाज को कैसे मुअस्सर बनाया जाए, नमाज को मुअस्सर कैसे बनाया जाए। इस सवाल को एड्रेस करने से पहले मैं ये बयान करने की कोशिश करूंगा कि नमाज के मुअस्सर होने के रास्ते में उनमें एक बड़ी रुकावट जो हमारे यहां नजर आती है वो नमाज की फिका के लोगों के ऊपर ये सवार होती है चीज कि आपने हाथ इतने उठाने और आपने हाथ यहां बांधने, इधर नहीं और ना इधर, तो बंदा सारा इसी चक्कर में होता है यार ठीक जगह पे है कि नहीं है, नाफ मेरी किधर है और रुकू में एंगल क्या होगा और कितनी मरतबा आप पढ़ेंगे और वगैरह वगैरह क्या पढ़ेंगे। उसके नतीजे में जो बंदा फोकस करके नमाज पढ़ता है उसका फोकस इसमें ये होता है, हालांकि सच्ची बात यह है कि नमाज की फिका कुछ भी नहीं, नमाज इज अ वेल नोन इबादत, इसको ऐसे दिया गया है मुसलमानों को, सब मुसलमान जानते हैं, और उसकी जो लाजमी शरायत है वो सब पूरी करते हैं, यूनो उसका कयाम है, उसमें रुकू है, रुकू से उठना है, फिर सुजूद है, फिर आदा है,
दो रकतों के बाद बैठना है, आई मीन इट इज नॉट पॉसिबल कि इसकी वायलेशन ऐसे दिया गया मुमकिन नहीं कि कोई आदमी कुरानी मजीद शुरू करे तो सूरह फातिहा की जगह कुछ और पढ़ना शुरू करे। इसमें जो फिक है ना, ये असल में स्टैंडिंग में कोई हर्ज नहीं है। हर आलिम अपनी अंडरस्टैंडिंग देगा, मगर उनकी अंडरस्टैंडिंग को दीन बना देना। अब देखिए ना कि ये एक ऑनेस्ट टू गॉड एक क्या किया जाए, तनकीद करनी पड़ती है। मेरे लोग पूछते हैं कि सर ये बताएं कि एस नमाज दी नियत की होगी, तो मतलब क्या क्या पूछ रहे हो, क्या मतलब, क्या मतलब नियत में कुछ अल्फाज बोलने हैं ना। मैं उनसे कहता हूँ कि नियत के अल्फाज क्या हो, वो यही होगा ना कि पीछे काबे शरीफ की तरफ तीन नमाज। मैं उनसे पूछता हूँ यार ये पंजाबी में तुम कर रहे हो, तुम में करो नमाज वैसे सारी तुम अरबी में पढ़ते हो, सोचना तो है नहीं वो। आई डोंट नो क्या हुआ कि बाज उलमा ने महसूस किया होगा कि हमारे यहाँ लोग ऐसी नमाज पढ़ने आ जाते हैं, तो उनको पहले बताया जाए कि यार नमाज की एक अच्छी नियत होनी चाहिए, कहते ना ये मुंह चुप के आ जाते हैं। तो भाई बात यह है कि नमाज आप पढ़ रहे हैं, मतलब मैं जब फजर की नमाज के लिए उठाऊं तो जाहिर है मैं असर की नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर मैंने बोल भी दिया कि मैं फजर की नमाज पढ़ रहा हूँ, फर्क क्या पड़ता है, नियत नियत होती है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब इस तरह की नहायत ही कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स अंडरस्टैंडिंग रखते हुए और पूरा मुआशरा इसमें मुलव्विस है, हालांकि तमाम उलमा को ये मालूम है कि इट्स एब्सोल्युटली अननेसेसरी, लेकिन एक रिवायत है जो चली आ रही। तो वो जो बाज लोग होते हैं यू नो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, हमारे सरफराज अवान साहब जब भी होती थी नमाज जनाजा और वो मस्जिद में करा देते, आपको पता ये भी एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ कि मस्जिद के अंदर मैयत नहीं आती, वो भी एक मसला है, अजीब चक्कर है। खाना काबा में सारे जनाजे होते हैं लेकिन यहाँ नहीं हो सकती, तो एक तो वो इसकी इजाजत देते थे डिफेंस पे यहाँ, और दूसरा वो हमेशा ये कहते थे कि भाई नियत दिल में होती है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मगर ये फिक्र है, तो बजाय इसके कि आप नमाज की हकीकत को अचीव करें, जब आपके ऊपर ये चीज तारी होगी, ये घुटने से ये उंगली आप नहीं होगी, इस तरह नहीं उंगली पूरी तरह से पकड़े। तो मुझे हमें याद है कि हमारे बचपन में एक साहब थे, वो हमारे फिजिकल ट्रेनिंग के टीचर थे, तो वो उसको ऐसे नमाज पढ़ा गए थे, आप जब पढ़े नमाज तो बिल्कुल ऐसे ना जैसे एक्सरसाइज करें, तो मजा इस चक्कर में रहता है। सो ये एक रुकावट बन जाती है, यू नो ये एक हिजाब है, क्योंकि नमाज में जिस चीज पर आदमी को फोकस करना चाहिए वो ये है कि आपने नमाज के जरिए से अल्लाह को याद करना है। और अगर कोई आप महसूस करे कंफ्यूजन, ये तो बहुत होता है कि आपको याद नहीं रहता कि दूसरी रकत है तीसरी, यू नो और भी गलतियां कुछ आपके जहन में आ जाती है, पता नहीं मैंने सूरह फातिहा के बाद कुछ पढ़ा था नहीं पढ़ा था, फॉरगेट अबाउट इट। जो नमाज आपने पढ़ी है आप उसमें जैसा समझते हैं प्रीडोमिनेंटली कि आप कर रहे हैं उसको सही मान लें, और आखिर में दो सजदे करते हैं जिनको सजदे सहम कहते हैं, और सलाम फिर ले आपकी नमाज मुकम्मल, क्योंकि शैतान ने आके तो आपको ऐसे ही वरगलाना है। और शैतान के बारे में मैं आपको ये एक ओपन सीक्रेट बताता हूं कि उसके पास आपको वरगलाने के लिए जो टूल्स है ना वो आपके दिमाग के अंदर मौजूद ख्यालात हैं, उन्हीं को पकड़ के वो मैनिपुलेट करता है, क्योंकि आप फिका में फंसे हुए हैं वो उसी का चक्कर चलाएगा, आपका कोई कारोबार है तो कारोबारी चक्कर चलाएगा, आप कहीं नाइट क्लब जाते हैं तो वहां का चक्कर चलाएगा, क्योंकि वो नाइट क्लब वाले को फिका नहीं डालेगा, पागल है वो, इसलिए वो कहेगा नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं। So, वो आपके अंदर का जो डेटा है ना, आपके अंदर जो कुछ है वो उसको पकड़ के तो वो इस्तेमाल करता है। सो ये एक हिजाब बन जाती है कि आप नमाज के जाहिरी चीजों पर जो लोगों ने बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ है उसी में फंस जाते हैं। इसको समझना चाहिए कि ये सब सजेशंस हैं,
जो चीज तय है वो आप जानते ही हैं ऑलरेडी, मोटी मोटी बात, और सब उसको फॉलो करते हैं, उसमें हमारे यहाँ इख्तलाफ भी। ये जान लीजिए कि नमाज में जहां इख्तलाफ है वो असल में इख्तियारी चीजों, लाजमी चीजों में कोई इख्तलाफ। एक और चीज जो नमाज में हिजाब बनती है, ये मैं कल शाम के भी प्रेजेंटेशन में मैंने बात की जनरली, वो है नमाज में सवाब का तसव्वुर, कि आप ये नमाज पढ़ेंगे तो इसमें बड़ा सवाब है, आप बाजमात नमाज पढ़ें उसमें ज्यादा सवाब है, इस नमाज में ज्यादा सवाब है उसमें कम है वगैरह। ये क्या है? ये असल में एक कैलकुलेशन वाला है कि खुदा ताला के यहाँ असल में इट्स गोइंग टू बी अ गेम ऑफ नंबर्स, जितने ज्यादा आपके नंबर्स होंगे उतने ज्यादा आपको कामयाबी के इम्कान। अगर ये बात सही है तो फिर लोग जाहिर है कि उनको चाहिए कि नंबर्स ही को इम्पोर्टेंस दें। फिर ये तज़किया वगैरह, ये अल्लाह को याद करना एक्चुअली अननेसेसरी, बिकॉज आपको ये पता लगे कि लैलतुल कद्र में आपको ज्यादा सवाब मिलेगा, आप उठेंगे सारी रात, उठेंगे ज्यादा ज्यादा नमाजें पढ़ेंगे। लोग ये भी कहते हैं कि ज्यादा ज्यादा नमाजें पढ़ी, क्योंकि दो रकत में जो सवाब है उससे कहीं ज्यादा, चार में, आठ में उससे भी ज्यादा है। तो यू नो, ये एक ज़हन बन गया कि हम सवाब हासिल करने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। मैं ये पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि सवाब की हकीकत से इनकार नहीं है, लेकिन दरमियान में एक मिसिंग लिंक है। यू नो, अल्लाह ताला ने अभी जो मैंने आपको दो आयात सुनाई उसमें ये भी कह सकते थे कि कद अफलाहा मन सल्ला, फला पा गया वो जिस नमाज पढ़ी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और हो सकता है कि जरा अल्फाज के फर्क से ये बात अल्लाह ताला ने फरमाई भी है, लेकिन पूरी बात क्या है? फला पा गया वो जिसने अपना तज़किया किया और अपने रब के नाम को याद किया चुनाचे नमाज पढ़ी। तो आप ये देखें कि ये फला पा गया वो जिसने नमाज पढ़ी, और दरमियान में दो चीजें हैं जो इम्प्लाइड हैं, जो तयशुदा है, जिनको माने बगैर बात इनकम्प्लीट है। आप में से बाज लोगों को शायद याद हो, मैं पिछले जो लेक्चर की सीरीज में कुरान मजीद को समझने के सिलसिले में मैंने कुछ प्रिंसिपल्स बयान किए थे, उसमें मैंने ये बताया था कि अल्लाह ताला हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीजें जो इम्प्लाइड है आप उनको माने, इसलिए कि वो स्टेटमेंट का हिस्सा है अगरचे के बयान नहीं की गई। यू नो, एक गोरा आए, वो आपको कहे मॉर्निंग मॉर्निंग, सुना गुड मॉर्निंग, यू नो, बस बोल दिया मॉर्निंग, तो ये अंडरस्टूड होती है बात। वैसे बाय द वे यही प्रॉबली सॉल्यूशन है उस एक खामखा की प्रॉब्लम का कि आयशा रजी अल्लाह अन्हा की उम्र 6 साल थी और 9 साल, वो भाई वो अरब जब बोलते थे ना नंबर्स, तो आपको मालूम है 11 से लेके 19 तक अरबों के यहाँ 10 and 1, 10 and 2, इसना अशरा, आधा अशरा ये होता है, तो बाज़ोका 10 आता ही नहीं, इम्प्लाइड होता है यार। भाई कौन आदमी है जो मानेगा कि 6 साल में शादी हुई, तो 10 को उमिट करना अंडरस्टूड है। अगर आप इसमें ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो मैं आपको कुरान मजीद मिसालें देता हूँ जो अल्लाह ताला ने दी बयान की है और आपसे एक्सपेक्ट किया कि आप उसको समझ जाएंगे। यानी अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि जब कोई शख्स दुनिया से रुखसत हो और वो माँ और बाप दोनों को जिंदा छोड़ के जाए, तो माँ का हिस्सा है 1/6, राइट? इसमें ये इम्प्लाइड है कि बाप का भी 1/6। और अगर वो वालिदैन को छोड़कर जाए और औलाद सिरे से ना हो, ये 1/6 तब है कि जब औलाद हो, औलाद सिरे से ना हो और वालिदैन ही वारिस बने, तो माँ का हिस्सा है 1/3। अल्लाह ताला हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम खुद समझ लें कि बाप का 2/3।
और आगे सुनिए कि अगर औलाद ना हो मगर बहन भाई हो तो फिर माँ का हिस्सा है 1/6। अल्लाह ताला समझते हैं कि इतना तो मैंने टैलेंट पैदा किया है अपने बंदों के, वो समझेंगे कि बाप का भी 1/6 बयान नहीं किया है। लेकिन चूंकि इसमें गलती की है लोगों ने, इसलिए सूरह निसा के आखिर में इसको वाज़े भी, ये हमारे रब का बयान है। तो अब अगर आदमी अपने उस जहन को इस्तेमाल ही ना करेगा जो अल्लाह ने हमको दिया है, तो फिर गलती तो हमारी है। और उस पर मजीद तुर्रा ये कि बाज लोगों की बातों को आप बिनोहन आंखें बंद करके मानना शुरू कर दें, तो फिर आपको दीन तो समझ में नहीं आएगा ना। इसलिए मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये बात जो हमारे यहाँ बयान की गई है कि आपको नमाज में सवाब मिलेगा, इसका मतलब बिल्कुल वाज़े है कि वो नमाज के जो अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान की है, जिसको आप पढ़ते हैं अल्लाह को याद करने के लिए और उसके जरिए से अपना तज़किया करने के लिए, उससे आपको सवाब मिलेगा। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आप इसको गोल कर जाएं और आप ये नमाज सवाब के लिए पढ़ें, और यही हो रहा है। ये एक एक रुकावट बन गई, एक हिजाब बन गई है ये चीज कि हम नमाज पढ़ते हैं और हम सवाब हासिल करने के लिए पढ़ते हैं और पूछते हैं कि इसमें कितना सवाब मिलेगा। तो अब इसका बंदा जब जवाब देता है तो सच्ची बात है मैं तो नर्वस हो जाता हूँ, मैं क्या जवाब, क्योंकि मैं कोई जवाब दूंगा उसको समझ नहीं आएगा और वो हो सकता है मुझे मारे तो कुछ समझ में नहीं आती क्या किया जाए। और इसी के साथ वो दूसरी चीज भी है जो जिसको बहरहाल ऐड करना पड़ेगा, जो पिछली जो मैंने आयत का बयान किया उससे ये बात मिलती हुई है कि फर्ज कीजिए कि ये सवाब मिल गया, ये सवाब जो आपको मिला ये कितना मिला, मतलब इसका 10 सवाब है, इसका क्या मतलब है, 10 से क्या मुराद है? बिकॉज यू सी कुरान मजीद से बात वाज़े होती है कि कयामत के रोज अल्लाह ताला के यहां वजन जो होगा ना, वजन वो असल में नेकियों का होगा। आप नेकी के काम करते हैं उनका वजन होगा, जिसका वजन भारी होगा जन्नत में जाएगा, बहुआ फी इश्शत राज़िया, जिसका वजन कम होगा बहुमु हाविया, गढ़े में जाएगा, वमा अदरा का माहिया, और तुम्हें क्या मालूम कि वो गढ़ा क्या है, नारुन हामिया, वो एक दहकती हुई आग है। इसमें जो बात बयान की गई है वो ये है कि नेकियां सारे इंसान करते हैं, ये बड़ा मुश्किल है कि कोई आदमी नेकी ना करे, कुछ ना कुछ आदमी करता है ये। लेकिन कुछ नेकियां होती हैं बिल्कुल बेकार होती, ड्रामा होती, बेवजन होती, और कुछ नेकियां होती हैं जो बावजन। तो बेवजन और बावजन इनमें फर्क कैसे होगा? इसमें फर्क होगा कि आप बुराइयों को कैसे हैंडल कर रहे हैं। ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं इसमें एक प्रोसेस जारी है, एक मुकाबला है नेकी और बुराई का, या आपकी नेकी गालिब आ जाती है और बुराई को तहस नहस कर देती है। खेलते हैं बचपन में वो मारते हैं उसको, उसको मार दिया, उसको खत्म कर दिया, ठिशो ठिशो वो खत्म हो गया, तो आपकी नेकियां बर्बाद कर देती है बुराई। इसलिए कि आप तौबा करते हैं, इस्तगफार करते हैं, आप अपनी इस्लाह करते हैं, आप खुदा के करीब आते हैं। आप खुदा के करीब आ ही नहीं सकते गलत काम करके कि जो आपके ऊपर गालिब आ गए। कुरान ने अल्फाज इस्तेमाल किए बाज गुनाहों के बारे में, ये वो चिपक जाते हैं अंदर, वो चिपक गए तो फिर आपको धोना है ना उनको पकड़ के रगड़ के। तो जब आपने धो दिया और आप नमाज पढ़ रहे, बड़ा वजन होगा उसका। और बाज लोग होते हैं बदनसीब के जो बुराई को इतने खलूस के साथ करते हैं कि नेकी बेकार होती है, बिल्कुल एक आदत होती है, जैसे कि अभी हमने इसमें देखा। सो ये वो चीजें हैं कि जो जहन में रहनी चाहिए, ये हिजाब बन जाती है कि आप कुछ बहुत ज्यादा फिकही किस्म के जहन के साथ, अल्लाह का शुक्र है कि वो एक और चीज थी एक जमाने में, अब मैंने देखा कि अक्सर लोगों पर खत्म हो गई है, मर्दों के लिए टोपी के साथ नमाज पढ़ने जा रहे थे टोपी दिखा रहे अल्हम्दुलिल्लाह वो तो, लेकिन वो और बहुत सारी चीजें साथ अटैच। तो मैं तो मजाक में कहता हूँ, जब मैं
शलवार कमीज पहनता हूँ, तो यार बाज़ औक़ात मुसलमान बन के भी नमाज पढ़नी चाहिए। सो दोनों ये हिजाबात है कि आपने ज़ाहिरी कानून बनाया हुआ है, फ़िक़्हा बनाई हुई है, आपके ऊपर सवाब का कोई तसव्वुर ग़ालिब है, नहीं हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए और नमाज के जरिए से हम चाहते हैं कि हम अल्लाह को याद करें और हम अपना तज़किया करें, असल मकसद है। इसके नतीजे में आपको यकीनन सवाब मिलेगा, इसके लिए आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह फरिश्ते कर रहे हैं और वो जो कर रहे हैं वो बहुत काफी। आपको उसकी कैलकुलेशन का एक असर यहाँ दिल में इत्मीनान की शक्ल में मिलेगा, वो उसको आपको बाकायदा काउंट करने की जरूरत नहीं है। काउंट करना वैसे मीनिंगलेस बात है, आप क्या काउंट कर रहे हैं, मतलब उसका मतलब क्या है। सो ये चीज है। सो अब आइए इस सवाल के जवाब की तरफ कि नमाज को कैसे मुअस्सर बनाया जाए। मैं कई मरतबा ये बात बयान कर चुका हूँ लेकिन मेरा ख्याल है कि जरूरी बातें अगर रिपीट भी हो जाए तो कोई बुरा नहीं है, और खास तौर पर की भी थी तो वो याद नहीं रही, तो दोबारा करना जरूरी। अब नमाज को मुअस्सर बनाने के लिए चंद चीजें अगर हम पेशे नजर रखें तो इंशाल्लाह हेल्पफुल होंगी। पहली चीज बड़ी ऑब्वियस है कि आप नमाज पढ़ें समझ कर, यानी जो नमाज में आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, क्योंकि आपको अल्लाह को याद तो याद, देखिए ये अगेन वही बात, अगर आप मेरी इस बात को याद रखें कि बास चीजें ऑब्वियस हैं, मतलब खुदा ताला ने आपको ये नहीं कहा कि यार देखो ए बी सी डी पढ़ो और फिर यू नो, फिर ऑब्वियस बात है भाई आपको कुरान पढ़ना है तो अरबी पढ़नी होगी ना, अरबी सीखनी होगी, उसके हिज्जे उसके बगैर नहीं हो सकती। तो भाई बात यह है कि ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि जब अल्लाह को आपने याद करना है तो आपको समझ में आना चाहिए ना, मतलब बगैर समझे आप कैसे उसको याद करेंगे। मतलब मुझे आप इजाजत दीजिए, इसमें कैसे याद आएगा, आप तो एक नंबर पूरा कर रहे हैं क्योंकि फिका ये है कि तीन दफा पढ़ना है यू नो, और चूंकि टाइम कम है इसलिए तेज तेज पढ़ना है, और बाज़ औक़ात आपको इमाम ऐसे मिल जाए कि मालूम होता है कि वो एक ट्रेन है जो तेज चल रही है तो, और नमाज पूरी होगी आपको। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू से, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी बात है, ये लाजिम है, लाजिम है। अगर आपने नमाज समझ के अगर आप नमाज अल्लाह को याद करने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप जब भी कोई चीज पढ़ेंगे तो आप समझ के पढ़ेंगे। और मैं जब ये बात करता हूं और लोगों का इम्तिहान लेता हूं जो मैं आपका नहीं लूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई पास परसेंटेज कोई यू नो होता है 2 out of 10 3 out of 10, मैं पूछता हूँ यार ये समय अल्लाह रिमन हमेदा रब बना रखा, बाज वक्त 3-4 लोग 10 में से ठीक भी, लेकिन वो रूटीन में चल रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है इसलिए कि नमाज तो हो रही है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सूरह फातिहा का मतलब आना चाहिए, मतलब आना ही नहीं चाहिए, जब हम पढ़ रहे हैं तो उस वक्त हमारे जहन में होना चाहिए, कुरान का जो हिस्सा आप पढ़ रहे हैं वो आपके जहन में होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू ये कि जो नमाज के बारे में हदीस में आता है, इबादत के बारे में, एहसान का रवैया ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो ऐसे कि गोया के तुम उसको देख रहे हो, इसलिए कि अगर चे तुम उसको नहीं देखते मगर वो तो तुमको देखता है। यानी कहने का मकसद ये है कि जब आप नमाज के लिए खड़े हो तो आप ये इमेजिन करेंगे, और ये एक रियलिटी है, यानी ये रियलिटी तो अभी भी है, बहरा हमें देख रहा है लेकिन हम गाफिल हैं। नमाज में खास तौर पर क्योंकि हम वक्त का लिहाज करते हैं, वजू करते हैं एहतमाम के साथ, या तो बाजमात पढ़ते हैं या अलग से भी पढ़ते हैं, तो उस वक्त आपको अपने आप को ये बताना जरूरी है कि अब हम खड़े हो गए हैं अल्लाह के सामने और वो तुम्हें देख रहा है। उसके बाद यकीनन इंसान के अंदर नमाज में एक तवज्जो पैदा होती है, और वो मौका भी आ जाता है
चाहे कभी कभी आए, लेकिन बड़ा हसीन मौका होता है कि आप ये महसूस करते हैं कि आप भी उसको देख, यानी दिल की आंख से वो देखना, वो देखना नहीं कि किसी शय को आपने देखा, बल्कि ऐसे में आप उससे बात कर रहे हैं, आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। यही हमारा अल्लाह को देखना है कि हम दुआ कर रहे हैं और हमें ये महसूस हो रहा है कि वो हमारी दुआ सुन रहा है। क्या कहने हैं अगर हमें नमाज में, सजदे में कहीं अपने गुनाहों पर, शर्मिंदगी पर आंसू निकल आए, उससे बात कर रहे हैं, ये बड़ी गैर मामूली एक प्रिविलेज है कि अपने रब के साथ हम इतना कुर्ब हमें हासिल हो गया। तो ये भी एक चीज इम्पोर्टेंट है, रमान पढ़ने को समझे, नंबर वन। नंबर टू, हम ऐसे नमाज पढ़े के गोया के हम उसको देख रहे हैं, यानी मतलब ये कि वो हमें देख रहा है। नंबर थ्री, ये नमाज पढ़े ऐसे के गोया कि हमारी आखिरी नमाज। नमाज तो जाहिर है कि अगर आप पढ़ते हैं तो कोई ना कोई नमाज तो आपकी आखिरी नमाज होगी। तो अगर आपको ये मिसाल के तौर पर पहले से बता दिया जाएगी कि ये वाली नमाज आपकी आखिरी नमाज, तो उसके बाद ये बिल्कुल यकीनी बात है कि आप उस नमाज में कोई ये नहीं सोचेंगे कि मैंने अभी जाके बर्गर खाना है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ताला से मुलाकात करनी, और जाहिर है कि उसमें आदमी बहुत ही सीरियस होगा, और ये बात तयशुदा बात है कि आपकी कोई ना कोई नमाज तो आखिरी नमाज होगी, और ये भी तयशुदा बात है कि आपको नहीं कुछ पता कि जो नमाज आपके पढ़ रहे हैं हो सकता है यही आखिरी नमाज। सो आई थिंक जिसको ये अल्लाह ताला जज्बा एहसास दे दे, चाहे कुछ ही नमाजों में मिले, ये बड़ी गैर मामूली, बड़ी कीमती चीज है। और नमाज के मौसर होने में मैं आखिरी बात हमेशा ये करता हूँ कि अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो कमाल ही हो जाएगा, वरना कोई बात नहीं यार, इख्तलाफ इख्तलाफ होता है, मैं आपके इख्तलाफ के साथ अपनी बात करूंगा। और वो बात यह है कि नमाज के दो हिस्से, नमाज के आमाल में भी और नमाज के अकवाल में भी, अज़कार में भी। एक वो है जो लाजिम है और एक वो है जो इख्तियारी है। सो नमाज के आमाल में जो लाजमी हिस्सा है वो है क़याम, रुकू, सुजूद और कादे के लिए बैठना और उसकी रकतें, ये लाजिम है, इसमें कोई इख्तलाफ है ही नहीं। इख्तलाफ इसमें है कि हाथ बांधते हैं नहीं बांधते, कहाँ बांधते, ऊपर बांधे, इसी में सारी जड़। तो बहुत लोग सीरियस होते हैं इस बात, औरतों की नमाज फर्क होनी चाहिए, फर्क होती है वो इस तरह से बैठना चाहिए, नहीं कह सकते, बहुत लोग इसमें दिलचस्पी लेते। तो जो इख्तियारियां हमारे में उसके अलावा है, किसी ने रफा दैन कर लिया, किसी ने नहीं किया, किसी ने हाथ बांध दिया, किसी ने दिल बांध वगैरह, इसी तरह से अज़कार है। नमाज के लाजमी अज़कार वो हैं जो सब पढ़ते, जो कॉमन है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सब में है। वो तो क्या है, हर नमाज की पोजीशन बदलने से पहले अल्लाह को कहना, सूरह फातिहा पढ़ना हर रकत में, पहली दो रकतों में फर्ज की कम से कम, सूरह फातिहा के बाद कुरान का एक हिस्सा पढ़ना, रुकू से उठते हुए समय अल्लाह लिमन हमिदा रब्बना लकल हम पढ़ना, और आखिर में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये वो अज़कार हैं जिनको के लाजिम कर दिया गया, और चुनाचे देयरफॉर वो हर जगह लाजिम, बाकी सब इख्तियारी, यानी आपके इख्तियार पर छोड़ दिया गया है। जब आपके इख्तियार पर छोड़ दिया गया है तो जाहिर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इख्तियार से कुछ चीजें पढ़ी, यही वजह है कि हमें मालूम है कि इन लाजिम अज़कार के अलावा जो अहदीस में अज़कार बयान हुए वो मुख्तलिफ है, कहीं रुकू में कुछ है, कहीं रुकू में कुछ है, कहीं सुजूद में कुछ है, कहीं कुछ है, और इसी तरह से कादे वगैरह में जाहिर है कि जो हुज़ूर ने पढ़े हैं क्या ही कहने, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अगर उसको फॉलो किया जाए, मगर हमें उसको समझ कर भी पढ़ना है। तो आप पढ़ें जो चाहते हैं पढ़ें, जैसे समझ में आता है, जिस जबान में आप, आपका और आपके रब का ताल्लुक है, जब आपको इख्तियार मिल गया है
तो आपको अपने अख्तियार को इस्तेमाल करना है, कहीं आप रुकू में उससे बात कर रहे हैं, कहीं आप सजदे में कर रहे हैं, कहीं आप कादे में कर रहे हैं, कोई अरबी के आपको अजकार याद है, कभी का जी चाह रहा है, कभी किसी और चीज का जी चाह रहा है, क्या कहने हैं। आप नमाज पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको नमाज छोड़ने का जी नहीं चाह रहा। मुझे याद है कि एक मरतबा मैं जब उमरे पे गया तो बाहर हरम के नमाज पढ़ने का मौका मिला, मेरे साथ एक अरब बद्दू था, तो मैं तो वही अपनी रूटीन की नमाज पढ़ रहा था कुछ सजदे में, वो लगता था कि अल्लाह मियां से कोई टेलीफोन कॉल उसकी मिली, कॉन्स्टेंटली वाज टॉकिंग टू हिम, और मैंने कहा ये क्या चक्कर है। तो मैंने सोचा कि नमाज के बाद मैं उसको फिर पकड़ूंगा, उसकी शक्ल देखूंगा, ये क्या चीज है, सलाम फेरा तो गायब था वो, फोन कॉल उसने करनी थी कर लियो चला गया, उसको तो उसका रब मिल गया था, तो उसको तो मौका था, जो जो मांगना था उसने मांग लिया, मैं तो वही कर रहा था सुबह बिलाला सुबह, तो तीन मैंने कर लिया, उसके बाद मेरा टाइम भी खत्म हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही, कहने का मकसद यह है कि ये क्या ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी। कुरान कहता है कल्ला ला तुतेउ वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो और करीब आ जाओ, तो आप करीब है अपने रब के, तो मांगे खुदाया मुझे माफ कर दे, सॉरी मेरी परेशानी दूर कर दे, मेरी बातें तू जानता है, मेरी जरूरत मेरी कमजोरियां तू जानता है, मतलब मेरी कितनी चीजें मांगने की है यार, सबसे ज्यादा माफी मांगने की, सुबह शाम चक मारते रहते हैं आप क्या क्या हरकतें करते हैं, फिर आपको सजदे का मौका मिलता है आपसे बात करें, आप नमाज आप इस तरह पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी नमाज नहीं कभी बोरिंग होगी। अच्छा जनाब, इसके बाद गुजारिश ये है कि नमाज फर्ज नमाज है जिसका पढ़ना लाजिम है, और फर्ज नमाजें क्या है ये हम जानते हैं, फजर की दो, जोहर की चार, असर की चार, मगरिब की तीन, ईशा की चार, इसके अलावा जो कुछ भी है उनका, इसमें जो बहस है वो फिकी बहस। हमारे दीन में दो ही कैटेगरीज हैं, फर्ज नफिल, या लाजिम है जिसको छोड़ेंगे आप गुनाहगार होंगे, या नफिल है पढ़ेंगे तो आपको अजर मिलेगा। तो हमारे यहाँ जो है वो बस बहस ही बहस है। जो सुन्नत मौकदा जिनको हम कहते हैं उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े फरमान है कि ये वो नफिल नमाजें हैं, नफिल नमाजें जो फर्ज नहीं है, तत्वान गैरा फरीदतिन, जिनको अगर कोई बाकायदगी से पढ़ेगा इन 12 रकतों तो अल्लाह ताला उसको एक खास घर जन्नत में देगा, छोड़ने पर कोई गुनाह नहीं, पढ़ने पर एक मजीद इंसेंटिव। नफिल नमाजों में बेहतरीन नमाज तहज्जुद की नमाज, ये नमाज वो नमाज है कि जो सोकर उठ के पढ़ी जाती है, और फजर की अजान से पहले आप उसको शुरू कर दें, इसके बाद चाहे फजर की नमाज अजान हो जाए लेकिन आप अपनी नमाज जारी रख सकते हैं। ये जो आप वितर की नमाज पढ़ते हैं ये असल में तहज्जुदी की नमाज है, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम लोगों के लिए के जो नहीं पढ़ सकते थे उनको ईशा के साथ पढ़ने की इजाजत दी, लोगों ने उसको लाजिम बना दिया। मैं एक और सजेशन पेश कर रहा हूँ, पहले ही कौन से आपने मेरे सजेशन मान लिए, चले एक और मैं इजाफा कर देता हूँ। लोगों को आमतौर पर ये गिला शिकवा होता है कि हम तहज्जुद के लिए उठ के करें क्या, और लैलतुल कद्र में भी यही होता है, नमाजें सूरतें छोटी छोटी याद हैं, इसीलिए हम कहते हैं फिर ज्यादा से ज्यादा रकतें पढ़ें। अरे भाई, अब वो जमाना आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये यंग मैन दी लालटेन अपने सामने रखे, सूरह फातिहा खत्म करें, कौन सी नाम सूरत पढ़नी है, ताहा पढ़नी है, ताहा लाए सामने पढ़नी शुरू कर दें, साथ ही तर्जमा होगा, क्या कहने हैं यार, कभी ट्राई आप करें, खत्म ही होगी आपकी नमाज, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मसला ही खत्म हो गया। तो जाहिर है कि आप किसी और को कंसर्न नहीं आ रही है, ये जायज नहीं है, नमाज तो आपने पढ़नी अपनी मेमोरी से, किसने कहा है आपको नमाज पढ़नी है अल्लाह को याद करने, ये अल्लाह को याद करने का एक बेहतरीन आपके पास एक तरीका आ गया है, तो आप उसको इस्तेमाल करें और लंबी लंबी तहज्जुद की नमाज पढ़ें, लंबे लंबे सजदे करें और मजे करें, इसलिए कि इससे ज्यादा मजे की चीज दुनिया में कोई नहीं। हमारी नमाजें बेअसर क्यों हैं, आखिरी बात, हमारी नमाजें बेअसर इसलिए कि हम नमाज समझ के नहीं पढ़ते, नमाज उस मकसद के लिए नहीं पढ़ते जिस मकसद के लिए नमाज फर्ज की गई है, और नमाज के रास्ते में जो रुकावटें हैं
बहुत दूर नहीं। मसलन झूठ, अब मैं झूठ भी बोल रहा हूं और अब मेरी नमाज भी ठीक हूं, यार ये तो मतलब जिद ना करो ना यार, जब तभी मेरी को बात है, अल्लाह भैया तुम्हारी खातिर अपने रूल्स बदल दे, शुक्र करो तुम्हारी नमाज एक नहायत बेकार नमाज, इसलिए कि वो बता रही है कि तुम्हें झूठ छोड़ना है, खुदा ना खास्ता तुम झूठे भी हो और तुम्हारी तुम्हारी नमाज भी अच्छी हो तो बड़ी गड़बड़ हो जाए, सारा कुछ ही गड़बड़ हो जाए। तो जनाबे वाला नमाज इसलिए गैर मुअस्सिर है, इसलिए कि नमाज के रास्ते में कहीं झूठ है, कहीं किसी को आप तंग कर रहे हैं, कहीं फ्रॉड कर रहे हैं आप, कहीं आपने किसी से पैसे लिए में और आपका मूड ही नहीं है देने का, किसी की जमीन आपने हड़प की भी है और मुकदमा आपने किया हुआ है, वकील साहब ऐसा करना ऐच करके जमीन मेरी हो जाएगी, तो यार फिर नमाज अगर मुअस्सर नहीं है तो क्या आपको क्या प्रॉब्लम क्या है, जिद तो नहीं चलेगी ना। तो नमाज मुअस्सर होनी चाहिए, आप कहें सजदे में जाके क्या खुदाया बता कि मैं क्या करूँ कि मुअस्सर, What is stopping it from being effective? आप मुतालबा कर सकते हैं अल्लाह से, मैं वजू करके आया हूँ, मैं तेरे आगे खड़ा हुआ हूँ, मैंने सजदा किया है, तो मुझे क्यों याद नहीं आ रहा। तो जब आप जिद करेंगे ना तो फिर हो सकता है कि अल्लाह ताला बताए कि मगर चेक तो करो ना अपने अकाउंट्स, तो उसमें से जरा एंट्री ठीक कर दो तो फिर आ जाओ, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी बात। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन नमाज पढ़ने की तौफीक दे, वो नमाज के जिससे हमारा तज़किया हो, वो नमाज के जो हमारे लिए रोज़ाना हमारी तमाम मामूलात में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल हो, जिसपे हम अल्लाह को याद करें और अपने लिए दुनिया और आखिरत का सुख चैन कामयाबी हासिल करें। अकूलो कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह, सवालात के लिए वही तरीका है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि नमाज फर्ज है और नमाज का मकसद तज़किया है, नमाज में अल्लाह को हमें याद करना है, नमाज हमें आप कहिए इंजॉय करना, इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। बात यह है कि अब हम मुसलमान बनते हैं तो अल्लाह ताला हमें डिसिप्लिन में लाना चाहता है, वो ये कहते हैं कि तुमको ये तो लाजमन कर, लाजमन हम जब करेंगे तो हम फिर ये तौफीक पाएंगे कि हम उसको अच्छे तरीके से, ये तकरीबन वही बात है कि जो जब तक हमारे बच्चे हमारे काबू में हो, अब तो हम कहते हैं कि टैक्टफुली हैंडल करें नाराजगी ना हो जाता है, तो लेकिन बहरहाल हम उनको कहते हैं कि नमाज पढ़ो, उसमें उम्मीद क्या होती है कि उससे उनको मजा आने लगे। तो हम जब मुसलमान बन गए तो मुसलमान बनने की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट कि जिसके बगैर मुसलमान है ही नहीं, और उनमें से एक रिक्वायरमेंट है कि हमने पांचों नमाज, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने ज़कात, ये हम उसके डिसिप्लिन में आ गए। और अब जब आ गए तो अगला स्टेप ये है कि हम उसकी सही स्पिरिट को पा सकें, दोनों एक दूसरे से मुतजाद नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि जब हम उसकी सही स्पिरिट पा लेते हैं तो हम उसके ऑर्डर को, उसकी एक्सपेक्टेशन को खुद दिलो जान से इख्तियार करते हैं, वरना हम जरा मारे बांधे करते हैं। सच्ची बात है, बाज नमाजें ऐसी हो, आदमी थका हुआ होता है और आदमी पढ़ता है लेकिन अल्लाह का हुक्म है, बल्कि मुझे बात अक्सर ये होता है कि हमारे, मैं यही पॉइंट आउट कर रहा था अभी पिछले दिनों कि अच्छे घर में कहीं जा रहे हैं, रमजान में भी ऐसा होता है, रमजान के अलावा भी, कि आप पहुंचे हमने कहा यार मगरिब की नमाज पढ़ो,
लेकिन ईशा की नमाज के बगैर निकल जाते, फिर पता नहीं कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, थके हारे आप खाना खा के गए, तो मेरा ख्याल है कि आपको खत्म करनी चाहिए अपनी मजलिस ईशा की नमाज पढ़ते ताकि नमाज पूरी हो। तो लेकिन ये जाहिर है ऐसा होगा कि आप नमाज पढ़ेंगे इसलिए कि अल्लाह का हुक्म, लेकिन अल्लाह के हुक्म के साथ हम उसको बेहतर भी बनाएंगे, नंबर वन। दूसरा है इनका एक सवाल कि अल्लाह के नाम को याद करना, अल्लाह के नाम कुरान मजीद में बयान हुए और उन नामों ही की रोशनी में हम फिर अपनी जिंदगी को इस दुनिया को समझते हैं और उसमें अल्लाह के रोल को समझते हैं। वो जब हम समझेंगे गहराई के साथ और अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, जैसे कि मैंने अल्लाह के इल्म का हवाला दे के कहा कि अप्लाई करें ऊपर कि वो देख रहा है, तो उससे हमारे ऊपर उसका असर पड़ेगा। यार रज़ाकुम वगैरह जो बताते हैं मैं नहीं जानता क्या है, मैं आपने मिसाल दी थी, तो ये जो लोग बताते हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बताया, पुराने मजीद में ऐसा हरगिज नहीं, इसलिए कि पुराने मजीद में पूरी स्टेटमेंट है, कभी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट दुआओं में नहीं है। इम्प्लाइड बात का मैंने भी जिक्र किया, यानी आप ये देखेंगे कि दुआएं हैं, सुभान अल्लाह है, पूरी स्टेटमेंट है, अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह है, तमाम शुक्र अल्लाह के लिए वगैरह वगैरह, अल्लाह हो अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। या रज़ाको का मतलब है ए रज़ाक, किसी ने सही कहा कि जब आप ये पढ़ेंगे या रज़ाक या रज़ाक, तो अल्लाह ताला कहेगा कि हाँ मैं बात सुन रहा हूँ, कहना क्या चाहते, मतलब यस आई एम हेयर बट व्हाट डू यू वांट टू आस्क। सो वो ना बोलने वाले का कोई मकसद है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल गलत है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ ये हमें उस तरह से सजेस्ट नहीं किया गया। और मैं जो थोड़ा बहुत जानता हूँ ये है कि ये बाज वो बुजुर्ग हैं जो बाज चीजें बताते हैं जिनके तजर्बे से उन्होंने ये सीखा कि अगर आप ये करेंगे तो आपके फला दुनियावी काम हो जाए। मैं इसकी निगेशन नहीं करता, बल्कि आप जानते हैं कि बाज लोगों को मैं भी किसी के जरिए से कुछ हेल्प करता हूँ यार ये पढ़ रहे आप, मगर इस क्लैरिटी के साथ ये दीन नहीं है, क्योंकि दीन सिर्फ वो पैगाम है जो हुजूर लेके आए हैं। इसके बारे में प्लीज सेंसिटिव हो जाए कि जो बंदा आपको दीन बता रहा है उसको ये बताएं कि यार ये हुजूर का लाया हुआ दीन है, वो नहीं है मैं दस रहे हैं। ये सर आपकी बड़ी इज्जत हम करते हैं लेकिन आपकी कोई हैसियत नहीं है सिवाय इसके कि आप हमें हुजूर के लाए हुए दीन को बताएं। इसके बारे में प्लीज सेंसिटिव हो जाए कि हर आदमी की बात आपने नहीं सुननी, जो बात बता रहा है उसे पहले साबित करना है कि पैगंबर के लाए हुए दीन को वाजे कर। जी अच्छा आप करेंगे, आप पहले एक सवाल करेंगे मैं जवाब करेंगे। तसव्वुर करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की हम शक्ल सूरत हैत जिस्म इसको जान ही नहीं सकते, इसके बारे में तो अल्लाह ने हमें आखिरी हद तक मायूस कर दिया है कि दुनिया में कोई इम्कान नहीं है। अल्लाह के अजीम जलील कदर पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम को हौसला हुआ कि वो फरमाइश करें कि वो अल्लाह को देखें, और उनका हौसला होना समझ में आता है क्योंकि अल्लाह ताला उनसे बराह रास्त बात करते हुए और वो वाहिद इंसान है जिनसे बराह रास्त बात की। उन्होंने कहा जब इतनी प्रिविलेज मिल गई है तो जरा एक कदम आगे बढ़ जाए कि तो हरगिज मुझे नहीं देख सकते, और फिर वो तजर्बा कराया कि फरमाया कि इस तरफ इस पहाड़ को देखो, अगर वो अपनी जगह पर कायम रह सके तो फिर हाँ अलबत्ता तुम ये देख सकते हो। तो अल्लाह ने जब उस पर अपनी तजल्ली की और वो रेजा रेजा हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश गिर पड़े, जब उठे तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ बात पर कि अल्लाह को नहीं देखा जा सकता। तो इस सवाल को जब आप अपने जहन से निकाल देंगे कि मुझे अल्लाह का कोई तसव्वुर कायम करना, बल्कि अपने जहन पर इस चीज को गालिब करेंगे कि मैं उस रब से बात कर रही हूँ जो देखने की जरूरत से बालातर है,
हर जगह मौजूद है, मेरी दुआएं सुन रहा है। तो इंशाल्लाह ये जो एक जहन में आपके इस वक्त बात है ना कि कुछ तसव्वुर होना चाहिए, ये खत्म हो जाएगा। और अल्लाह नूर है, अल्लाह वो नूर समावासी बलर, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नूर से बना हुआ है, बल्कि ये एक इस्तियारे की मेटाफोरिकल जबान। इसका मतलब ये है कि अल्लाह को जब आप नहीं मानते तो ये दुनिया मानवी लिहाज से, हकीकत के लिहाज से अंधेरा है, आपको कुछ भी नहीं पता, आप टामक टोइया कर। जब अल्लाह का तस्वुर सही आ जाता है, आप ईमान ले आते हैं, तो आसमानों आसमान और जमीन सब रोशन, यानी चीजें वाजे हो। ये इस मानी में नहीं। जी 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 यही है, यही है। वो नहीं है कि जो मैं कहूंगा कि बचपन में मैंने पूछा अपनी बहन से भी, और मैंने पूछा कि तुम्हारा अल्लाह का तस्वुर क्या था, उनका ये कि एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाले, लंबी दाढ़ी वाले कौन सा। तो ये बचपन की बात है, और वो शायद प्रॉब्लम इसलिए भी है कि हम दूसरे दीन अदियान के लोगों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ रहे हैं, वहाँ कोई ना कोई शबी होती है, कोई खुद होता है। नहीं, अल्लाह ताला ने हमें इससे आज़ाद किया, हम अल्लाह की सिफात पर फोकस करते हैं तो हमें याद आता है और हम उससे बातें। इससे मुझे पूछेंगे इसकी दलील क्या है, और उनसे पूछेंगे अगर दवाएं हमें समझ में नहीं आ रही तो हम खाएं। नहीं, ये देखें, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और ये बड़ी बुरी चीज है, और ये भी एक मसला है, तज़किये का ही मसला है कि मुझे कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट देनी है तभी जबकि मेरे पास कोई ऐसी दलील हो जो, यानी जिसका कोई काउंटर ना, तुम्हारे ओपिनियंस चल रहे होते हैं ना, सो सैड कि ओपिनियंस के बारे में लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, लड़ते हैं कि कुछ भी नहीं, क्यों बता, व्हाई ऐसे ओनली नैरेटिव, क्यों नहीं हम किसी और जबान में करते थे? जो नमाज का लाजमी हिस्सा है तो लाजमन अरबी न हो, इसलिए कि उसको बदला नहीं जा सकता, जो उसके अलावा इख्तियारी है उसका अरबी में होना जरूरी है। इसीलिए मैंने गुजारिश की ना कि वो जो आपसे आप मसला आ गया, आपको इंशाल्लाह नमाज के बाहर भी अल्लाह नहीं याद आएंगे। हाँ नहीं, वो असल में यही होता है कि आपको समझ तो आ नहीं रही है भाई। मुझे आप ये बताएं कि मुझे किसी ने पूछा ना, ये भी एक लतीफा है, किसी ने गए हुए थे हज पे, उमरे पे, हज पे गए हुए थे, वो मीना में इस तरह की बहुत सी पैसे हो, और हनफियों ना नॉन हनफियों की बड़ी पैसे, तो वो हनफी हजरात इंसिस्ट करते हैं कि जब जोहर और असर की नमाज भी पढ़ रहे हो और आप इमाम के पीछे, तो आपने कुछ नहीं पढ़ना। तो जो हनफी नहीं हो, कहते यार कुछ नहीं पढ़ना क्या मतलब, सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं, क्या प्रॉब्लम। तो मुझसे किसी ने कहा कि सर ये बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप जब खड़े हो जोहर और असर में इमाम साहब के पीछे तो आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकते। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर क्या करें, क्या पढ़ें। तो मैंने कहा यार ये तो उन्हीं से पूछें, वैसे अगर वो ये कहते हैं कि सूरह फातिहा आप नहीं पढ़ सकते तो फिर कौमी तराना पढ़ना शुरू कर, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही है ना आपने, यार ये क्या बात है, तो खड़े होके करें क्या। तो ये हम कहा कि वैसे आप कुछ नहीं, जी जनाब आप कुछ पूछना चाहते। नहीं नहीं नहीं, ये तो आप यार आपने रूल को हमारे आपको सरकारी लोग हैं भाई।
देखिए बात यह है कि एक चीज का ख्याल रखें, ये कि हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है अपने सर्कमस्टेंसेस के जमाने भी में। जिसको जितनी अपॉर्चुनिटी मिली उसके हालात के लिहाज से वो उतने ही के लिए काम। तो अब किसी को ये बात मालूम ही नहीं हुई तो जाहिर है कि ये अब उसकी लिमिटेशन इसका लिहाज है, नंबर वन। पर नंबर टू मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, ये जो मैं बात कह रहा हूं ये इतनी नेचुरल बात कि अगर किसी को जिसको इस ओपिनियन से इख्तलाफ है सजदा अच्छा मिलेगा और मिसाल के तौर पर सुभाना रब्बी अलाला ही 50 मरतबा पढ़ेगा तो असल में दिल में अल्लाह ताला से उर्दू ही में बात कर, यानी वो अरबी भी पढ़ते हुए ये कुछ कर रहा है, इसलिए उसने बातें करनी है ना अल्लाह ताला से। तो कहेंगे ये तो है फॉर्मेलिटी, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मौलवी साहब ने कहा है आप ये तो यू नो एसओपी बदल नहीं सकता, मगर सुभान रब्बिल अज़ीम अल्लाह मेरे काम रब्बिल अज़ीम माफ कर, कोई ना कोई चक्कर चलाए अभी भी करते हैं लोग, बिकॉज ऑब्वियसली यार आपने कम्युनिकेट करना है, सो अल्लाह जाने उसके हिसाब से ही उनके मामला। बाकी किसी को एडवांटेज मिल गया कि उसे कोई ज्यादा अच्छी बात समझ में आ गई तो यार हर एडवांटेज के साथ आपको तो ये भी पता बात है कितनी बड़ी एडवांटेज है किसी शख्स के लिए कि जो मक्के में हरम के साथ वाले मोहल्ले में उसका घर है, मगर वो एडवांटेज भी है। अभी बढ़िया तो यार अल्लाह का शुक्र हो गया आज तो हमारी खत्म हो गई, वहां भी कोई नहीं है आपके पास उधर? हाँ बोलो ना यार, तो आज अटेंटिव नहीं। राफिया साहिबा आप अपना माइक अनम्यूट करें और सवाल करें। और थोड़े से अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खालिद, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि बिल्कुल हम नमाज अल्लाह की याद करने के लिए पढ़ते हैं, बट ये इज़न्ट दिस वेरी इम्पोर्टेंट कि हम नमाज इसलिए भी पढ़ते हैं कि हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करें उसकी नेमतों का, उसने हमें आंखें दी हुई हैं, हमें बोलना सिखाया हुआ है, हमें हेल्थ दी हुई है। तो आप जब ये बता रहे थे कि हम अल्लाह को याद करते हैं कि हम अपने बुरे अमाल ख़त्म करें और हम नेकियाँ करें, बट Does Allah need us to praise Him? Allah is way above us. हम अल्लाह को प्रेज करते हैं अपने लिए और शुक्रिया अदा करने के लिए for His blessings. What would you like to say on this? Thank you. देखिए हम नमाज में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं उसकी नेमतों पर, ये अल्लाह को याद करना ही, यानी याद करने का मतलब क्या है, बल्कि अच्छा सवाल हो गया। याद करने का मतलब ये नहीं है कि आपने अल्लाह को ये कहा कि खुदाया मैं आई नो यू आर देयर, यू नो आई नो दैट यू आर प्रेजेंट, नहीं, उसको अपनी जिंदगी के साथ रिलेट करेंगे। और ये बड़ी सही बात है कि उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू ये होगा कि हम ये कहेंगे कि अल्लाह तूने जो कुछ मुझे दिया है मैं उस पर शुक्रगुजार हूँ। तो ये तो नमाज की इसेंस है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना। सूरह फातिहा में जो कुछ बयान किया गया है वो दर हकीकत अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का बयान है, और वहीं से हमारे दीन का आगाज होता है। हमारे दीन में जो बात हमें बताई गई है कि आखिर इंसान अल्लाह की फरमा बरदारी और उसकी इबादत क्यों इख्तियार करे, यानी वो चीज क्या है कि जो उसको उसकी तरफ माइल करती है, मोटिवेट करती है। तो वो जो प्योर जज्बा है, जज्बा मुहर्रिक का मोटिवेटिंग जो इंसान की फोर्स है, वो उसकी शुक्रगुजारी है। हम ये महसूस करते हैं कि इस दुनिया में
उसने हमें जो नेमतें दी हैं बेपनाह है, यानी उनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो जैसे दुनिया में हमें किसी इंसान ने फेवर किया है तो हम उसका शुक्र अदा करते हैं, तो सबसे ज्यादा शुक्र का मुस्तहिक अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यही उसका मतलब है। तो इसमें कोई शुमा नहीं है कि अल्लाह को याद करने में सबसे बढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करना। ये सर एक और सवाल है शाज़िया इज़हार साहब, माइक अनम्यूट करें। सवाल जी, यानी वो उनको पूछना है या आप पूछेंगे क्या होगा? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरा डॉक्टर साहब नमाज से तो रिलेटेड इतना नहीं है, बट खैर ये सूरह निसा की 79th आयत है जिसका तर्जमा है व्हाट कम्स टू यू ऑफ गुड इज फ्रॉम अल्लाह बट व्हाट कम्स टू यू ऑफ इविल ओ मैन इज फ्रॉम योरसेल्फ एंड वी हैव सेंट यू मोहम्मद टू द पीपल अ मैसेंजर। एंड बेसिकली ये सवाल मुझे बॉदर यही कर रहा था कि जो आजमाइश है वो अल्लाह की तरफ से ही आती है, बट जैसे सूरत ने बताया कि जो आजमाइश है वो हमारी अपनी है, लाइक हमारे अपने अमाल से आती है। मैं थोड़ा इसमें वजाहत चाह रही थी। जी, ये जो आयत है सूरह निसा की आयत नंबर 79, मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, जो तुमको कोई भलाई पहुंचती है तो वो अल्लाह की तरफ से, वमा असाबका मिन सैयतिन, और अगर तुम्हें कोई बुराई यानी तंगी तकलीफ पहुंचती है, फमिन नफ्सिक, तो ये तुम्हारे नफ्स की जानिब से, यानी ये तुम्हारी अपनी है। और आगे ये फरमाया कि वमा वअरसलना लिन्नासि रसूला, और हमने भेजा आपको लोगों के लिए रसूल बनाकर, वकफा बिल्लाही शहीदा, और अल्लाह गवाह होने के लिहाज से काफी। तो असल में आयत तो हमें पूरी समझनी है, और आयत पूरी समझनी है उसके सियाक सबाक से। ये भी एक एक बड़ा चैलेंज होता है। सियाक सबाक में बात ये हो रही है कि बाज मुनाफिक और मुनाफिकों से मुतासिर कमजोर मुसलमान ये कह रहे थे, ये जो हम मुश्किलात में इस वक्त घिरे हुए, ये असल में इनकी तरफ से, नाउज़ु बिल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुनाफिक होता वो ये कि जो हुजूर को अल्लाह का पैगंबर नहीं मानता या उसके बारे में शक में मुब्तला है। सूरत हाल ये थी कि अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आ गया था कि अब बात वाज़े हो गई है और अब कुफार के लिए अल्लाह की सजा की इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया। अल्लाह ताला ने इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो तरीका इख्तियार किया वो तरीका ये था, आप अगर मुझे देखेंगे तो मैं बोलूं, वो तरीका ये था कि अल्लाह के रसूल के साथियों को अल्लाह ताला ने उभारा कि वो उस गैर मामूली शरफ में शामिल हो जाए कि जिसमें उनको इस्तेमाल किया जाए उस सजा को नाफिज करने के लिए। ऑब्वियसली इसमें मुश्किलात आ रही थी, घर से निकले तकलीफ पहुंच रही है, कहीं पानी नहीं है, कहीं खाना नहीं है, तो और भी मुश्किलात। तो ब्लेम करते थे हुजूर, क्योंकि वो हुजूर को अल्लाह का पैगंबर नहीं मान रहे थे। जिसने मान लिया तो कह यार अल्लाह का हुक्म है, सब ठीक है, सब अल्लाह की तरफ से है। तो इसके जवाब में अब अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि देखो जो तुम्हारे पास आता है भलाई की शक्ल में, ये सब अल्लाह की मेहरबानी, और जो तुम्हारे तरफ आती है कोई मुश्किल, ये तुम्हारी अपनी तरफ से, जो गड़बड़ तुमने की है उसी के नतीजे में कुछ तुम्हें अल्लाह ताला आजमा रहा है ताकि तुम इस आजमाइश के नतीजे में पाक साफ हो जाओ। ये भी वही बात है तज़किया। अल्लाह ताला खास तौर पर सहाबा किराम के लिए ये तय किए हुए था कि चूंकि उनको एक बड़े अहम मिशन के लिए उसने चुना था, तो पहले वो पाक होंगे तो फिर उनको मौका मिलेगा। तो बदतमीजियां करते थे, गलत काम करते थे, तो अल्लाह ताला फिर उनको आजमाता था कि ये जो कुछ तुम कर रहे हो ये जब तक धुलेगा नहीं मैं तुम्हें वो शरफ नहीं दूंगा। तो ये उनके बारे में बताया जा रहा है,
اور آگے کہا کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے, یہ آپ کو بلیم کر رہے ہیں, آپ رسول ہیں, تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا, یہ تو خدا بھیج رہا ہے نعمتیں, اور جو تمہیں مشکلات آ رہی ہیں وہ تمہاری بدتمیزیوں کی وجہ سے ہیں, کہ جس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو تاکہ تم دھل جاؤ اور پھر تم آگے چل کے اللہ کے اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے سلیکٹ ہو جاؤ, اور سلیکٹ ہو گئے یا نہیں ہو گئے اللہ ہے کافی گواہ, وہ دیکھ رہا ہے تمہیں, سمجھ میں ہی آئے تھا آپ کو. تو یہ آیت اصل میں اس کانٹیکسٹ میں, ہاؤ ایور میرے اور آپ کے لیے بھی یہ بہت ہوتا ہے کہ ہمیں مشکلات آتی ہیں بہت سی ہماری حماقتوں کی وجہ سے, لیکن بعض اوقات مشکلات آتی ہیں صرف اس لیے, کوئی حماقت نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے خود آپ کے نفس کے تزکیے کے لیے اور آپ کے اندر ترقی پیدا کرنے کے لیے, صبر کے ذریعے سے آپ کی شخصیت میں اور پختگی آئے, تو یہ آپ کے نفس کے لیے. لیکن یہ آیت خاص طور پر اصل میں اس موقع پر جو لوگ حرکتیں کر رہے تھے, منافق اور منافقوں کے ساتھ ملے ہوئے کمزور مسلمان, ان کو یہ بتایا جا رہا ہے. پچھلی آیات میں پڑھیں گے اس کے کانٹیکسٹ میں تو آپ کو بات پوری سمجھ میں آ جائے. اچھا جی, جی رضوان صاحب آپ اپنا سوال کر لیں. جی جناب رضوان صاحب, میرا خیال ہے کہ وہ آن نہیں کر پا رہے. رضوان صاحب کیا آپ کیسے, اچھا آپ کو الگ سے سوال کرنا ہے, چلے کر لیں آپ, کیونکہ رضوان صاحب کا تو وہ آن نہیں ہو رہا. نہیں نہیں تو ایسے کیسے کریں یار, یہ لینا یار بند ہو گیا. اچھا کیا ہو گیا, آواز آ جائے گی, بیٹھے رہے نا. جو مشقیں ہیں کچھ کے لیے آپ تزکیہ اپنا کر سکتے ہیں, یا آپ نے کنٹرول خود پہ کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. سر اگر ان ایڈیشن جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بتائی ہیں تمام آپ کے سامنے یہ ساری بات آ گئی کہ دین کیا ہے, دین میں جو کچھ ہے اس کا مقصد کیا ہے, آپ اس مقصد کے لیے نماز روزہ حج زکات وغیرہ کر رہے ہیں, اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ ابھی میری تسلی نہیں ہو رہی تو میں یہ کچھ مشقیں بھی کر لوں, اور یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں کوئی اور مقصد حاصل کرنا چاہتا ہوں, بلکہ میں تو اسی مقصد کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں. اس ساری کلیئرٹی کے ساتھ آپ کرتے ہیں تو امید ہے کہ غلط نہیں, لیکن ہم دین کے نسب العین اس کے طور طریقے کو کمپرومائز نہیں کر سکتے, اس کو بالکل کلیئرلی سامنے رکھیں. اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی مجلس میں جا کے جہاں کوئی غلط کام نہیں ہو رہا, ایک انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا ہوا ہے جو آپ کو مؤثر لگ رہا ہے وقتی طور پر, بے شک کر لیں, بٹ بی کیئرفل, کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے دین اسلام کو پوری طرح جان کر اختیار کرنے کے بعد اب میڈیٹیشن کا رخ اختیار کیا, تو ان کو پہلی آزمائش یہ آئی کہ ان کو میڈیٹیشن والوں نے یہ کہا کہ آپ کی میڈیٹیشن اس لیے زیادہ مؤثر نہیں ہو پا رہی کہ آپ اس دوران میں نماز پڑھتے, تو وہ برائے کرم چھوڑ دیں, تو ان اللہ کے بندے نے نماز چھوڑ دی. تو انہوں نے کہا کہ ملتا مجھے بہت سکون ہے, تو میں نے ان کو یہ کہا کہ شیطان آپ کو ظاہر ہے کہ اس موقع پر کوئی بے حیائی نہیں سکھائے گا, پاگل ہے کہ بے حیائی سکھائے, جب آپ اللہ سے کٹ گئے تو آپ کو سکون ملے گا, آپ کسی اور طرح سے سکون لے آئے گا آپ کے دل میں. اس وجہ سے اٹ از اے ڈینجرس ٹیریٹری, کرنا ہے بے شک کر لیں, مگر اس پوری کلیئرٹی کے ساتھ کریں کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں, ابھی مجھے کچھ مل نہیں رہا, وہ صحیح اسپرٹ,
तो हो सकता है यहां से मिल जाए, लेकिन असल मेरे लिए यही है। मैं कौन होता हूं रोकने वाला, लेकिन भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये हकीर हो जाए। कम से कम ऐसा होता है कि जो लोग वो करते हैं उनके लिए ये एक कमतर होती है चीज। शाह वलीउल्लाह देहलवी जो है ना, बगैर किसी शक को शुबे के सब कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े आलिम, जो उनको सब मानते हैं, वो ये लिखते हैं कि उनके वालिद और उनके चचा दोनों सूफी बुजुर्ग थे। उन दोनों के दरमियान एक इख्तलाफ था। दोनों को ये बात दोनों इत्तफाक करते थे कि एक बुजुर्ग सूफी जो उस मंजिल की तरफ जा रहा है और वो अगले मराहिल पर पहुंच गया है, उसके लिए नमाज जरूरी नहीं है। इस पर दोनों का इत्तफाक। लेकिन वालिद साहब और चचा जान के दरमियान जो इख्तलाफ था वो ये था कि चचा जान ये समझते थे कि ऐसे शख्स को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। वालिद साहब का कहना यह था कि नहीं, नमाज फिर भी पढ़नी चाहिए, इसलिए कि लोगों को उससे गलतफहमी होगी और वो खामखा फितने में मुब्तला होगी। तो ये इख्तलाफ था। वैसे दोनों का इत्तफाक था कि आप नमाज पढ़ने की जरूरत हुई नहीं। आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं चले जाओ, तो मुझे तो डर लगता है। मुझे याद है कि मैं जब नया नया दीन के करीब आया, यूनिवर्सिटी में मैं था, तो मुझे किसी ने कहा कि यार आप नौजवान हैं और इस नौजवानी में आपको दीन के करीब आने की उसका शरफ हासिल हुआ है, तो मैं आपको एक बुजुर्ग से मिलवाता हूँ, आपको बहुत जल्दी बहुत तरक्की की मनाजिल तय करवाएंगे। तो मैंने कहा मैंने कुरान समझ लिया, सॉरी, मेरे लिए बहुत काफी, मुझे कोई तरक्की की मनाजिल तय नहीं करनी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, शौक ही नहीं है। मेरे रब ने एक किताब नाजिल की है तो बहुत काफी, इसको मैं कैसे कम कर सकूं, कैसे हो सकता है कि किताब मौजूद है और मुझे तरक्की कहीं और से, इट्स समथिंग रॉन्ग। तो इस सख्त तबसरे के साथ अगर आप जाना चाहते हैं चले जाए, तो ये है मसला। वो असल में बात नहीं समझते लोग, उनकी समझ में नहीं आई बात, नमाज समझ में नहीं आई, रोजा समझ में नहीं आया। इसको बेहतर करें, इसको बेहतर करने में अगर कोई मौका है तो जरूर। माइक माइक ना ये, अच्छा इधर आपने पहले पूछ, फिर आएगा ये, ठीक है, अच्छा आप पूछना चाहते हैं, पूछे पूछे फिर उसके बाद भेजिएगा जी। दूसरा सवाल ये है कि व्हाट इज द लिटमस टेस्ट दैट यू कैन मेक मी रियलाइज के तस्किया हो रहा है और यू आर वर्किंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो हाउ डू यू नो। ओके, देखिए मेरा ये ख्याल है एंड ऑब्वियसली इसको मजीद हमें बेहतर करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने इसका लिटमस टेस्ट खुद नमाज को बनाया, यानी नमाज को पढ़ते हुए सोच समझ के अल्लाह को याद करते हुए आपने ओपन रखा हुआ अपने आप को कि आपकी गलतियां आपको हॉन्ट करें, आपको परेशान करें और आप उनके लिए माफी मांगें। ये आपने प्रोसेस जारी रखा हुआ है और इसके बाद फिर एक स्टेज आती है कि आपको मीनार में लगता है, तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि नमाज के अंदर का इत्मीनान ये खुद एक अल्लाह की तरफ से इंडिकेशन होती है कि थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। दूसरी चीज़ है अपनी अकल का इस्तेमाल और उससे अपने अपने बारे में तनकीद का एक मुस्तकिल प्रोसेस, यानी आदमी, मैंने देखा है बहुत से लोग बहुत से दूसरे लोगों पर बेतहा तनकीद करते हैं, ऐसा जैसे कि अल्लाह मियां ने उनकी जिम्मेदारी लगाई हुई है कि दूसरों को जलील करना। मेरा ख्याल है आदमी को अपने आप को जलील करना चाहिए, अपने आप पर तनकीद करनी चाहिए और वो खामोशी से होती है। तो अपने ऊपर तनकीद करते रहें, नमाज पढ़ते रहें, इस सब के बावजूद अगर आप कोई महसूस हो कि नहीं सूरत हाल ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। अल्लाह की सिफात को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने का मतलब क्या है, मैं कुछ तो पहले बयान कर चुका कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जानता है, तो किसी और को देख रहा है, देख रहा मुझे देख,
मुझे जानता है, मेरी नियतों से वाकिफ, मेरे उजाले और मेरे अंधेरों की एक्टिविटीज से वाकिफ। सो यू नो ये बहुत बड़ी चीज है, इसको मैं अपनी जिंदगी में अप्लाई करूँ तो इसके नतीजे में एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा मेरी करेक्शन का। इसी तरह से मुझे जिंदगी में बाज़ औक़ात बाज़ ऐसी चीजें होती है मेरे साथ, बिल्कुल समझ में नहीं आती ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करता था, क्या हुआ। आदमी को इत्मीनान हो कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मसाइल से बचने के लिए, लेकिन बाज़ चीजें मेरे इख्तियार से बाहर है, मेरे रब का फैसला है, वो हकीम है, उसका फैसला गलत नहीं हो सकता। मेरा रब रहमान और रहीम है, मुझसे बड़ी गलतियां होंगी, मैं उससे माफी मांगूंगा, मुझे माफ करें। मुझे दुनिया में बड़े मसाइल नजर आते, मुझे उन मसाइल को हल करने के लिए अपनी इम्कानी हद तक कोशिश करनी है, लेकिन इस सब के बावजूद कुछ कामयाबी होती है, बहुत कुछ नाकामी होती है। मेरा रब इंसाफ करने वाला है, वो इंसाफी को बर्दाश्त नहीं करता, इंशाल्लाह बिलाखिर इंसाफ हो। सो आप एक एक चीज को देखें, वो ऐसे गैर महसूस तरीके से मामलात करता है कि जिसको हम जान भी नहीं सकते। हम दुआ करते हैं, हम वी वंडर यार ये कैसे होगा, लेकिन गैर मामूली तरीके से, गैर महसूस तरीके से। तो हर चीज असल में खुदा की सिफात से एक्सप्लेन होनी शुरू हो जाए तो आदमी असल में इस दुनिया में जीता है अल्लाह की याद के साथ, उसको अप्लाई करें। आप खुद यार वो है तुम्हारे पास, वो ले दें, वो सर वो दूसरों के हाँ प्रोटोकॉल है। हमारे कॉन्सेप्ट यही है जिसमें नमाज में नहीं पहले कोई ये कोई मुसलमान नहीं है या ये इबादत गुजार है, और नमाज में अभी आपने फरमाया सबसे बेहतरीन नमाज की नमाज है, और हमारे जहनों में ये बैठा हुआ है कि हम उस शख्स को नेक समझते हैं जो तहज्जुद गुजार होता है, तो हम वोट करते हैं कि ये तहज्जुद गुजार है, बाकी हम उसके पीछे कुछ नहीं सोचते, हम ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं कि ये तहज्जुद गुजार है। सूरह मुज़म्मिल में जब हम तर्जमे से उसको पढ़ते हैं देखते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया गया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि रात के किसी पहर आधी रात जितना कि वो आप उससे ज्यादा बेहतर समझते हैं, मगर बाद में ये अल्लाह ने फरमाया कि आपके जो साथ वाले लोग हैं वो ये काम नहीं कर सकेंगे, इतनी दही से इतनी कंसंट्रेशन से वो ये काम नहीं कर सकेंगे, तो उनके लिए यही है कि वो जितना आसानी से कुरान पढ़ सकते हैं। आपके फर्ज नमाजों में हम क्या तहज्जुद शामिल करें इतना करें या उसका जिक्र हम किस तरह करें, ताकि हमारे जहन में ये चीज भी आए कि हम अगर तहज्जुद नहीं पढ़ रहे तो हम गुनाहगार नहीं है। जी देखें वो तो एक अलग से सूरह बनी इसराइल की आयत है जो वाज़े कर देती है कि ये तहज्जुद की नमाज ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक इजाफी फर्ज नमाज है, नाफिला तल्लग यानी ये इजाफी नमाज है आपके लिए। तो इससे मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छह नमाजें थी फर्ज, पांच नमाजें और एक तहज्जुद।
हमारे लिए वो नफिल नमाज है और सबसे ज्यादा आप समझिए कि पसंदीदा नफिल नमाज, जिसको अल्लाह तौफीक दे दे बाकायदगी से, अगर कोई ना भी पढ़ सके तो जब उसके लिए मुमकिन हो वो पढ़े। मैंने तो आपको बता दिया कि अब हमारे लिए ये बहुत आसान हो गया है, एक अब हमारे पास इनाम आ गया है, उससे अगर आप आपकी आंख खुल सकती है, दूसरा आपके पास ऐप आ गया है, उससे आप नमाज पढ़ सकते हैं, चाहे आपको कुरान बहुत याद भी नहीं है, ऊपर अरबी आयत है, नीचे उसका तर्जुमा है, पढ़े जाए जनाब जितना आपको अदालत होगी। तो फर्ज तो नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन लोगों की सहूलत और आसानी के लिए, इसके शरफ को हासिल करने के लिए आपने उसको इशा के साथ पढ़ने की इजाजत दी, चुनाचे आपकी वितर की नमाज असल में हुई। लेकिन वो मैंने गुजारिश की ना कि वो चीज असल में कुछ और होती है, लेकिन वो बदल के कुछ और शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब वो वितर की नमाज एक लाजिम नमाज है, फिर उसमें ये बहस है कि वो तीन पढ़ी जाए या एक पढ़ी जाए, वो ये चक्कर स्पिरिट गायब। मगर आपने अपने सवाल में मेरी सारी गुफ्तगू का एक बेहतरीन खुलासा पेश कर दिया, इसके मैं आपका शुक्र गुजार हूँ, है ना। बड़ा अच्छा खुलासा था, क्योंकि जी थैंक यू।